मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो एज द नेम सजेस्ट्स, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में जो है लाइक यू नो एक वेक्टर लिया मैंने, दो वेक्टर लिया, क्लियर है, दोनों वेक्टर लिया हम लोगों ने, और ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन से वी गेट, है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो फिर कुछ हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट करने से हम लोगों को कौन सा रिजल्ट मिलेगा, स्केलर रिजल्ट। ये हम लोगों को कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है ना, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर का क्या है, हमको केवल भैया मैग्नीट्यूड दे दो, काम खत्म। लेकिन क्रॉस का, वेक्टर प्रोडक्ट का हमें दोनों चीज चाहिए ना, वेक्टर का तो दो चीज होता है भैया, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वी वांट बोथ, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों को दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझ लेंगे, और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया डिनोट करने का, ए डॉट बी। ये जो डॉट है ना, दिस इज द नोटेशन फॉर, दिस इज द नोटेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट। और इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी, दिस इज द नोटेशन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो सिंपल है, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो ए डॉट बी क्या होगा, क्या होगा, ए डॉट बी कैसे होगा, क्या होगा, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर लीजिए, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है बी, और ये हो गया थीटा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, सिंपल, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको पहले ही बोला था, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, डन, दैट्स इट, डन।